अच्छा उसके बाद देखें बेटा, यहाँ पे लव इट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, यू विल सी यहाँ पे लव इट द मास्टर ऑफ हाउस एंड द एम्प्लॉयर ऑफ जेरेमी द बटलर, हिज हाउस कीपर एलाइस फेस। ठीक है, उसका जो हाउस कीपर होता है, और ये जो है अपना नाम बदल के अपना नाम फेस रखता है। अवे फॉर मेजोरिटी ऑफ द प्ले लव इट डज नॉट रिटर्न, पूरे प्ले के अंदर लव इट वापस नहीं आता। लव इट पे क्लिक कीजिएगा अंटिल एक्ट 5, यहाँ तक के एक्ट 5 आ जाता है। अनएक्सपेक्टेडली दो फेस लाइज एंड क्लेम्स टू हैव सेंट फॉर हिम, एट दिस पॉइंट ही पनिशेस फेस बट विदाउट अनकवरिंग द प्लॉट्स इटसेल्फ। वो उसको फेस को पनिश करता है लेकिन विदाउट अनकवरिंग द प्लॉट इटसेल्फ और केयरिंग टू, ही मैरिज डेम प्लाइंट एंड लीव्स द स्टेज हाफ वे थ्रू द एपिलॉग इन ऑर्डर टू स्मोक टबैको। ठीक है, अच्छा जी अब वापस आइएगा पेज के ऊपर। लव इट हैज लेफ्ट फॉर हिज होप यार्ड्स इन लंडन एंड ही हैज जेरेमी हिज बटलर इन चार्ज ऑफ हिज हाउस इन ब्लैक फ्रायर। ब्लैक फ्रायर में उसका घर होता है जो कि वो अपने बटलर जेरेमी को के हवाले करके जाता है ताकि वो इसकी हिफाजत करें। जेरेमी हुज नेम इन द प्ले इज फेस, जेरेमी अपना नाम चेंज करता है और अपना नाम फेस रखता है। लिव्स इन हाउस विद सबटल, वो उस घर में सबटल के साथ रहना शुरू कर देता है। सबटल जो है वो एक सपोज अल्केमिस्ट होता है। अल्केमिस्ट कहते हैं सोना बनाने वाले। अल्केमिस्ट जो है वो एक सबटल जो होता है वो एक अल्केमिस्ट होता है, और वो ये दावा कर देता है कि मेरे पास जो है ऐसा सीक्रेट आर्ट है कि जिससे वो हर चीज को सोना बना देता है। एंड द डॉल कॉमन अ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, और जो डॉल कॉमन होती है वो प्रोस्टिट्यूट होती है। द थ्री रन अ मेजर कॉन ऑपरेशन, और ये जो तीनों होते हैं ये एक मेजर कॉन ऑपरेशन जो है ये रन करते हैं, यानी कि ये अपना जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारोबार एक तरह से खोल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। स्पेशली सप्टल जो है वो एक बहुत चालाक आदमी होता है, एक कॉन मैन होता है। द प्ले ओपन विद एन आर्गुमेंट दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द प्ले बिटवीन सबटल एंड फेस। जब प्ले शुरू होता है तो थ्रू आउट द प्ले सबटल और फेस के दरमियान आर्गुमेंट्स होते हैं। इट कंसर्न्स व्हिच ऑफ देम इज द मोस्ट एसेंशियल टू बिजनेस ऑफ द कॉन, और ये इस चीज पे उन दोनों की बहस होती है कि इस बिजनेस ऑफ कॉन में कौन सबसे ज्यादा एसेंशियल है इन दोनों में से। बुशरा आप जो है यहाँ पे आ जाए ना, स्क्रीन पे आ जाए, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। उसके बाद है डॉल क्विल्स दिस आर्गुमेंट एंड फोर्सेस द कॉन मैन टू शेक हैंड्स, और डॉल जो है इन दोनों के दरमियान जो है आती है और कॉन मैन को कहती है कि वो शेक हैंड करे। द बेल रिंग्स एंड आ डैपर आ लीगल क्लर्क एंटर द फर्स्ट गर्ल ऑफ द डे। अब क्या होता है, डोर बेल होती है और डैपर आता है, और मैंने आपको कहा था कि ये डॉग गैम्बलर होता है, और ये इनके पास आता है और उनसे कहता है कि भाई मुझे कोई ऐसा ट्रिक बताएं या ऐसा स्पिरिट दे दें कि मुझे ये पता चले कि कौन सा डॉग जीतेगा ताकि मुझे मैं डॉग की सट्टेबाजी में जीत सकूं। फेस टेक्स ऑन रोल ऑफ कैप्टन फेस, फेस जो है वो यहाँ पे कैप्टन फेस का रोल प्ले करता है, और सबटल प्लेस द डॉक्टर, और सबटल यहाँ पे डॉक्टर का रोल प्ले करता है। डैपर वॉन्ट्स अ स्पिरिट, डैपर को क्या चाहिए, एक ऐसा स्पिरिट एक ऐसा भूत चाहिए दैट विल अलाउ हिम टू विन अ गैम्बलिंग, कि जो उसको ये गैम्बलिंग विन करने में उसकी मदद कर सके। सबटल प्रॉमिसेस वन एंड देन टेल्स हिम ही इज रिलेटेड टू द क्वीन ऑफ फेरीज, और सबटल उसको कहता है ठीक है वो उसको एक स्पिरिट देगा, लेकिन वो साथ ही उसको कहता है तुम तो भाई क्वीन ऑफ फेरीज से के रिलेटिव हो, डिस्पैच टू गेट अ क्लीन शर्ट, और उसको जो है वो क्लीन शर्ट वो कहते हैं तुम जाओ और एक क्लीन शर्ट पहन के आओ एंड वॉश हिमसेल्फ, और अपने आप को साफ सुथरा करके आओ। डैपर लीव्स, डैपर चला जाता है। अब जाहिर बात है उनके पास दोस्त तो होता कोई नहीं है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना होता है ना, तो वो उसको कहता है भाई तुम तो किसी क्वीन से के खानदान से रिलेटेड हो, तो तुम जो हो ऐसा करो तुम जाओ और जाके अच्छी सी क्लीन सी शर्ट पहन के आओ और अपने आप को वॉश करके आओ। डैपर चला जाता है, इमिडिएटली रिप्लेस्ड बाय ड्रगर, और उसके फौरन बाद जो दूसरा उनका गाहक आता है, जो दूसरा कस्टमर आता है, वो ड्रगर होता है। अ यंग टबैकनिस्ट हु वांट्स टू नो हाउ ही शुड अरेंज हिज शॉप, बस उसको ये जानना होता है कि वो अपनी शॉप को कैसे
अरेंज करे, उसमें क्या उस जो है एम्बलम उसका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें. सबटल टेल्स हिम एंड फेज गेट्स हिम टू रिटर्न लेटर विद टोबैको एंड अ डिमांड. सबटल उसको बताता है और फेज जो है गेट्स हिम टू रिटर्न लेटर विद टोबैको एंड डिमास्क, और उसको वो रिटर्न करता है टोबैको और डिमास्क, एक डिमास्क उसको देता है. देयर आर्गुमेंट्स लुक सेट टू रिज्यूम व्हेन डॉल रिटर्न्स टू वार्न देम दैट सर एपिक्योर मेनन इज अप्रोचिंग. अब जो है उनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो और ज्यादा रिज्यूम होने वाले हो जाते हैं जब डॉल उनको बताती है कि भाई अब तो भाई सर एपिक्योर मेनन जो है वो जल्दी से आ रहे हैं, तो अब क्या करना. सर एपिक्योर मेनन एंड हिज साइनिकल साइडकिक सर पर्टिनेक्स सरले आर नेक्स्ट थ्रू द डोर. अब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं. उसका जो साइनिकल साइडकिक होता है मेनन इज टेरिफिकली एक्साइटेड बिकॉज सबटस हैज प्रॉमिस्ड टू मेक हिम द फिलोसोफर्स स्टोन. मेमन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है जब सबटल उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको एक फिलोसोफर स्टोन देगा. About which Manon is already fantasizes. जिसका जो Manon होता है वो बहुत ज्यादा fantasize करता है कि भाई ये वो philosopher stone है जो कि उसकी किस्मत बदल देगा. जैसे मैंने उसको आप लोगों को बताया कि ये दावा कर देते हैं कि भाई ये जो स्टोन होता है philosopher stone जिसके पास आ जाता है वो तो कभी बूढ़ा ही नहीं होता, और खेतों में फसलें होना शुरू हो जाती हैं, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाता है. फेस चेंजेस कैरेक्टर इन टू लंग्स और अलियन स्पीजल. अब फेस जो है वो लंग्स और अलियन स्पीजल के कैरेक्टर में चेंज होता है. द डॉक्टर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट जो के डॉक्टर के लेबोरेटरी का असिस्टेंट होता है. एंड द टू कॉन मैन इम्प्रेस मैनन. और दोनों कॉन मैन जो है वो जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस करते हैं, अपना भेस बदलते हैं ये दोनों. और फिर क्या होता है कि वो दोनों कॉन मैन इम्प्रेस करते हैं मैनन को एंड इरिटेट सरले विद अ वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज. और सरले जो कि बहुत ज्यादा स्केप्टिक होता है, बहुत ज्यादा वो साइनिकल होता है, तो उसको वो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज. फेस अरेंजेस फॉर कैप्टन फेस. और फेस जो है वो कैप्टन फेस का नाम रख लेता है या भेस बदल लेता है टू मीट सरले इन हाफ एन आवर एट टेम्पल चर्च. और वो कहता है कि भाई कैप्टन सरले जो है वो तुमसे मिलने आएंगे टेम्पल चर्च में. एंड अ सडन एंट्रेंस फ्रॉम डोल provokes Mammon instantly besotted into begging face for a meeting with her. और जो है डॉल जो है वो provoke कर देती है Mammon को instantly besotted into begging face for meeting with her, कि वो face को कहती है कि वो उससे meeting करे. Ananias and Anabaptist enter and is greeted with fury by Subtle. और फिर Ananias आता है जो कि एक Anabaptist होता है, और वो उनके पास आता है और सबटल जो है वो बहुत उसको ग्रीट करता, भाई एक और कस्टमर आ गया. Ananias then returns with his pastor. Ananias जो है वो फिर रिटर्न होता है विद पास्टर ट्रिबुलेशन. Anabaptist was the philosopher's stone in order to make money, in order to win more people to their religion. अब उनको ये स्टोन क्यों चाहिए होता है, वो उनको फिलोसोफर स्टोन इसलिए चाहिए होता है ताकि वो इतना मनी मेक कर सकें, ताकि वो बहुत सारे लोगों को रिलीजन में, अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकें. सबटल अडॉप्टिंग अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सोना. अब सबटल जो है एक प्लेस अलोंग एक डिफरेंट पर्सोना जो है वो अपना फिर बेस बदलता है. अपने माइक चेक कीजिएगा. कैस्ट्रल इज नेक्स्ट न्यू. अब इसके बाद कैस्ट्रल आता, यानी कि इंसानों को जब ये लूट चुके होते हैं तो कैस्ट्रल आता है. द न्यू गर्ल ब्रॉट बाय ड्रगर और हु हैज कम टू लर्न हाउ टू क्वरल. उसको ड्रगर लेके आता है कैस्ट्रल को कि किस तरह से क्वरल सीखी जाए एंड टू केस द ज्वाइंट टू सी इफ इट इज फिट फॉर हिज रिच. और किस तरह से ज्वाइंट को जो है वो देखा जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है इफ इट इज फिट फॉर हिज रिच विडोर सिस्टर डेम्पलाइन. और वो बहुत ज्यादा ये चाह रहा होता है कि उसकी जो विडोर सिस्टर होती है डेम प्लांट उसकी कहीं शादी हो जाए. फेस इमीडिएटली इम्प्रेसेस यंग कैस्ट्रल. और फेस जो है उससे कैस्ट्रल जो है यंग कैस्ट्रल जो है फेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है. एंड ही एग्जिस्ट विद ड्रगर टू फेच हिज सिस्टर. और वो जाता है ड्रगर के साथ अपनी बहन को लेके आता है.
Dapper in the meanwhile is treated to a fairy ride in which Subtle and Face, accompanied by Doll on Sidern, steal most of his possessions. Dapper, जो कि शुरू में आता है, वो जो कहता है कि भाई डॉग गैम्बलर होता है, वो जो है वो आता है और वो क्या कहता है कि इज ट्रीटेड टू फेरी राइड इन विच सबटल एंड फेस स्टील मोस्ट ऑफ हिज पोजेशन, के सबटल और फेस जो है और एकम्पनीड बाय डॉल ऑन सिदर्न, और वो उसके उन दोनों के साथ कौन होती है, डॉल होती है, डॉल ऑन सिदर्न, और वो डैपर जो है वो कहता है कि इन्होंने मेरा पोजेशन यानी कि मेरा प्रोफेशन जो है उसको मुझसे स्टील किया, यानी कि मेरा पैसा इन्होंने चोरी किया. When Memon arrives at the door, जैसे ही मेमन वहां पे पहुंचते हैं, they gag him and bundle him into private. तो वो उसको मारते हैं और उनकी उनको मतलब उसकी प्राइवी में मतलब अच्छा खासा उसकी पिटाई होती है. मेमन एंड डॉल प्रिटेंडिंग टू बी अ ग्रेट लेडी, और मेमन जो है सॉरी मेमन एंड डॉल हैव अ कन्वर्सेशन विच एंड्स विद देम बीइंग बंडल्ड टुगेदर इनटू गार्डन और अपस्टेयर. मेमन और डॉल की आपस में कन्वर्सेशन होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं. बीइंग बंडल्ड टुगेदर इनटू गार्डन और अपस्टेयर, फेस इज प्रिटेंडिंग दैट सबटल कैन नॉट नो अबाउट मेमन्स अट्रैक्शन टू डॉल, और फेस ये प्रिटेंड करता है कि सबटल को पता ही नहीं है कि मेमन की अट्रैक्शन जो है वो डॉल की तरफ हो चुकी है. द विडो इज ब्रॉट इनटू द प्ले एज इज अ स्पेनिश डॉन हु फेस मेट व्हेन सरली डिड नॉट टर्न अप, और विडो जो है वो प्ले के अंदर लाई जाती है एज इज अ स्पेनिश डॉन. और कैसे, जैसे कि एक स्पेनिश डॉन होता है जो कि फेस से मेट करता है when Surly did not turn up, जो कि Surly उसको turn up नहीं करता. Actually ये जो Surly होता है ना, यही बाद में Spanish Don के disguise में आता है. अब this Spaniard is in fact Surly in disguise. ये जो Spanish Don होता है, यही Surly होता है in disguise. And the two con men flicker between arguing about who will marry the widow. और ये दोनों कॉन मैन होते हैं, अब उनकी नजर उस विडो पे होती है, उनको पता होता है कि भाई ये जो कैस्ट्रेल की बहन है डेम प्लांट, ये तो बहुत अमीर लड़की है, और वो उस लड़के को कहते हैं जाके अपनी बहन लेके आओ. अब वो दोनों इसी चीज पे लड़ रहे होते हैं कि इस विडो से शादी कौन करेगा. एंड मॉकिंग द स्पाइनियर्ड बाय स्पीकिंग लाउडली इन इंग्लिश ऑफ हाउ दे विल कॉजन और डिसीव हिम, और दोनों जो है वो मॉक कर रहे होते हैं स्पैनियर्ड को, वही स्पेनिश टॉन को यानी कि सरले को, और के उस मतलब कौन इन में से विल कॉजन और डिसीव हिम, के कौन इन दोनों में से मतलब इन दोनों में से कौन उसको डिसीव करेगा. बिकॉज डॉल इज ऑक्यूपाइड विद मेमन, अब डॉल तो भाई मेमन ले गया. द कॉन मैन एग्री टू हैव द स्पाइनियर्ड मैरी द विडो, अब कॉन मैन जो है वो स्पाइनियर्ड को कहते हैं कि तुम अब इस विडो को से मैरी कर लो. एंड विडो इज कैरीड आउट बाय सरले, और विडो जो है वो कैरिड आउट होगी बाय सरले. अच्छा, इन द मीन टाइम डॉल हैज गॉन इनटू अ फिट ऑफ टॉकिंग. डॉन एकदम से घबरा जाती है बीइंग कॉट विद अ पैनिक्ड मेमन बाय फेरीज फादर सबटल, बिकॉज देयर हैज बीन लस्ट इन द हाउस. अ ह्यूज एक्सप्लोजन हैपेंस ऑफ द स्टेज, एक जोर से कोई धमाका होता है. विच फेस कम्स इनटू रिपोर्ट has destroyed the furnace and all the alchemical apparatus. अब वो सारे जब आ जाते हैं इनके पास कि भाई तुमने तो हमें धोखा दिया है, तो ये लोग क्या करते हैं, अचानक से एक जोर से धमाका होता है और वो कहते हैं कि which face comes to report, और face जल्दी से आता है और सबको कहता है कि भाई हमारा वो जो furnace जिसके अंदर alchemist था वो तो भाई destroy हो गया, और वो जो alchemical apparatus है वो सब खत्म हो गया. Memon is quickly packed out the door. Memon जो है वो दरवाजे से निकल जाता है. Completely destroyed by the loss his entire investment. और वो जो है बहुत ज्यादा, वो कहता है उसने तो investment ही बहुत ज्यादा, इनको इतना पैसा दे दिया था और उसकी अपनी भी investment सारी चली गई, यानी कि जब वो जो apparatus है alchemical apparatus वही तबाह हो गया तो उसकी सारी investment भी खत्म हो गई. Things start to spiral out of the control. अब जो है ना ये सारी जो इन्होंने इतने मामलात खोल लिए होते हैं, अब जो out of control हो जाती हैं, and the girls turn up without warning. मतलब हालात खराब से खराब तर हो जाते हैं, इतने सारे जो झूठ बोले होते हैं. At one point, nearly all the girls, including an unmasked Surly, are in the room. And face
only just manages to improvise his way out of it. Doll then reports that Lovebit has arrived. Doll अचानक से आके बताती है कि भाई Lovebit जो इस घर का मास्टर है वो आ गया है. And suddenly Faith has to make a final change into Jeremy the butler. और जल्दी से Faith को एक final change अपने अंदर लाना है और उसको फौरन से अपने आप को Jeremy the butler बनाना है. वो फौरन से अपने उसी तरीके से butler के भेष में आ जाता है. Lovebit is mourned by the neighbors and the girls at the door. And Faith admits to Lovebit. When forced to do so by Dapper's voice emerging from the privy that all is not as it seems and has him marry the widow. अब क्या होता है कि Lovebit जो है वो जो है उसको neighbors काफी कहानियां शहानियां बता देते हैं and the girls at the door और जो girls खड़े होते हैं door पे वो सारा कुछ उसको बता देते हैं. Faith जो है वो मान जाता है Lovebit के सामने कि उसने ये इस तरह की हरकतें की हैं. When forced to do so by Dapper's voice emerging from the voice, जब Dapper की आवाज जो है वो privy से आती है that all is not as it seems कि ये सब ऐसा नहीं है जैसे कि तुम्हें नजर आ रहा है and has him marry the widow और उसको marry शादी करनी है widow के साथ. After Dapper's quick dispatch, Dapper जैसे ही चला जाता है, Faith undercuts Doll and Subtle and as the girls return with officers and search a warrant. और फेस जो है वो डॉल और सबटल को जो है अंडरकट करता है यानी कि उनके बारे में भी बता देता है. एंड एज द गर्ल्स रिटर्न विद ऑफिसर्स और सारे गर्ल्स जो के रिटर्न विद ऑफिसर्स एंड अ सर्च वारंट जो है वो भी उसके साथ रिटर्न होते हैं. गर्ल्स जो है विद ऑफिसर्स और सर्च वारंट के साथ डॉल एंड सबटल आर फोर्स टू एस्केप. डॉल और सबटल को वो फोर्स करता है कि वो यहाँ से भाग जाए पेनीलेस ओवर द बैक वॉल बिल्कुल बगैर पैसों के बैक वॉल से वो पीछे से निकल जाए. द गर्ल्स स्टॉर्म द हाउस फाइंड नथिंग देमसेल्फ और जो है वो जो गर्ल्स आते हैं वो जो उनके जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनको वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है. एंड आर फोर्स टू लीव एम्प्टी हैंडेड और वो बेचारों का जितना लूटा होता है वो सब एम्प्टी हैंडेड वहां से चले जाते हैं. Lovebit लीव्स विद कैस्ट्रेल एंड हिज न्यू वाइफ. फाइनली जो है Lovebit जो है वो कैस्ट्रेल और उसकी न्यू वाइफ डैम प्लांट उसके साथ लीव कर जाता है. Faith is left alone on the stage with a financial reward delivering the epilogue. और Faith जो है वो स्टेज पे रह जाता है with a financial reward delivering the epilogue जो कि डिलीवर करता है epilogue. ये बेटा आज आपकी समरी एंड हो गई है. अब अपने नोट्स खोलिएगा.